हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द एडजेक्टिव। अबाउट एडजेक्टिव वी हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अबाउट द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव, बट टुडे आई विल टेल यू इन डिटेल द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव विद एग्जांपल। आई होप यू विल सी, यू विल वॉच द वीडियो, यू विल लिसन द वीडियो एट द लास्ट, मतलब लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको एडजेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव कहते किसे हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स और द क्लॉजेज दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताता है? एडजेक्टिव बताता है हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में। कोई भी नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में हमें कोई, जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में बताता है कि नाउन या प्रोनाउन हमारा कैसा है, कितना है नहीं, किसका है, तो इस तरह से जो भी वर्ड हमें ये बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे स्टूपिड, अगली, इंटेलिजेंट, प्रेटी, फर्स्ट, दिस, दोज, फुल, ये सब क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं। मैं ये कहूँ महेश इज अ स्टूपिड बॉय, अब महेश क्या है, नाउन है, महेश कैसा लड़का है, स्टूपिड बॉय, तो ये क्या हुआ, स्टूपिड क्या है, स्टूपिड हमें महेश के बारे में बता रहा है कि महेश कैसा है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। देखिए एग्जांपल देखेंगे सेंटेंस में, दिस इज अ न्यू कार, अब इसमें कार के बारे में बताया, तो कार क्या है, कार एक नाउन है, इसमें बताया कि कार कैसी है, कार न्यू है, तो कार न्यू है, तो न्यू क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसमें गर्ल तो नाउन है, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो गर्ल के बारे में हमें सूचना दे रहा है वर्ल्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, कि गर्ल ब्यूटीफुल है। राम इज ब्रेव, राम एक नाउन है, राम के बारे में हमें कौन सा वर्ड बता रहा है, ब्रेव बता रहा है, कि राम कैसा है, ब्रेव है, बहादुर है। ठीक है, तो जो नाउन है राम, उसके बारे में हमें अतिरिक्त सूचना किसने दी, ब्रेव ने दी, तो ब्रेव क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब ऐसी बात नहीं है कि जो एडजेक्टिव है वो हमें उसके बारे में अच्छी ही बात बताएगा, राम इज कवर्ड, कायर है, तो इसमें राम के बारे में जो दी, ये भी तो ये हमें अतिरिक्त सूचना ही दे रहा है ना, है नहीं, तो ये भी एडजेक्टिव है। ही इज राम हु इज ओल्डर एल्डर देन आई, यह राम है जो मेरे से बड़ा है। अब मैंने इसमें टू वर्ड्स यूज करें, ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डर मीन्स भी बड़ा होता है और एल्डर मीन्स भी बड़ा होता है, लेकिन हम ओल्डर कहाँ यूज करते हैं और एल्डर कहाँ यूज करते हैं। अब राम, अगर या राम मेरा रियल ब्रदर है, मेरा भाई है, तो हम यूज करेंगे एल्डर, जो ब्लड रिलेशन में कोई होता है, तो जैसे मैं कहूँ कि सीमा इज माई एल्डर सिस्टर, यदि वो मेरी सिस्टर है, ब्लड रिलेशन में लगती है, देन वी यूज एल्डर। इफ शी इज माई फ्रेंड, यदि वो मेरी फ्रेंड है, देन वी विल यूज ओल्डर, तो हम ओल्डर यूज करेंगे, कि सीमा इज ओल्डर देन आई, क्योंकि वो मेरी क्लासमेट है या मेरी फ्रेंड है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो हम ओल्डर यूज़ करते हैं। अगर कोई ब्लड रिलेशन में है, अपना भाई है, बहन है, कोई भी रिलेशन में है, तो हम एल्डर यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हेयर आर एट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एट टाइप्स होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव।
इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? आपने प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन पढ़े हैं ना। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो हमें किसी एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक थिंग्स के बारे में, किसी एक जगह के बारे में इंडिकेट कराते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नाम होता है या किसी पर्टिकुलर किसी शहर के लिए नाम होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है नहीं, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। अगर मैं कहूँ अंजू, तो वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम है ये अंजू, ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। और अगर मैं कहूँ आई एम इंडियन गर्ल, तो इंडिया से इंडियन बनाना, तो इंडियन क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। अब जैसे रशिया है, रशिया के लोगों को हम क्या कहते हैं? रशियन बोलते हैं। तो रशियन क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ रशिया का। जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। अ प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ओरिजिनेट मतलब बनता है। एंड लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे आपको पता होगा कि हम प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं लिखना। हम किसी भी पर्सन का नेम लिखेंगे या किसी भी सिटी का नेम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना, है नहीं? चाहे वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है या वो स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन हम उसको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। इसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव को भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, इट विल बी रिमेम्बर। ओके, नाउ वी टेक द एग्जांपल। जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है, प्रॉपर नाउन है। अब हमने लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ ये क्या बन गया? इंग्लिश यहाँ क्या है? ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। हम लैंग्वेज की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, एक लैंग्वेज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लैंग्वेज इंग्लिश है। लैंग्वेज कैसी है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश क्या हुआ यहाँ? यहाँ हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। देन ही इज एन इंडियन पर्सन। इंडियन, वही मैंने कहा था, इंडिया से क्या बना? इंडियन बना। इंडिया प्रॉपर नाउन है, उसी से हमने बनाया इंडियन, तो इंडियन क्या हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। चाइनीज नूडल्स आर इन किचन। चाइनीज नूडल, चाइनीज किससे बना? चाइना से बना, चाइना से बना चाइनीज। और चाइना क्या है? प्रॉपर नाउन है, इससे चाइनीज बना, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। नूडल्स कैसे हैं? नूडल्स चाइनीज हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। विच वर्ड शोज द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो वर्ड हमें किसी पर्सन के या किसी थिंग के बारे में उसकी क्वालिटी बताता है, या किसी जगह के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में हमें उसकी क्वालिटी बताता है, उसके बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ब्रेव पर्सन, पर्सन कैसा है? ब्रेव है। आप ब्यूटीफुल चाइल्ड, बच्चा कैसा है? ब्यूटीफुल है नहीं? तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या बता रहा है हमें? चाइल्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चाइल्ड कैसा है, ठीक है। तो ये हुआ ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ केयरफुल मदर, मदर कैसी है? केयरफुल है। तो केयरफुल मदर के बारे में बता रहा है ना कि मदर कैसी है, तो केयरफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं मात्रा को, किसी चीज़ की मात्रा, संख्या नहीं, संख्या कहलाती है नंबर, और ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज वन दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। हम ये नहीं पूछेंगे कितनी संख्या में, मतलब कितनी मात्रा हमने ली उस नाउन की या प्रोनाउन की, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल, मैंने कोई भी एप्पल नहीं खाया।
अब एक नहीं खाया, दो नहीं खाया, तीन नहीं खाया, ये नहीं यहाँ पे मतलब है, यहाँ मतलब कि कोई भी नहीं खाया, तो यहाँ कोई संख्या नहीं बताई जा रही है। ही एट मच ब्रेड, उसने कुछ ब्रेड खाई, अब कितनी खाई ये नहीं पता, संख्या नहीं पता कि कितनी खाई, कुछ मात्रा में खाई। तो मच क्या है यहाँ, मच है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऊपर वाले में क्या है एनी, एनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड थर्ड एग्जांपल, यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, तुम क्या पीते हो थोड़ा सा दूध पीते हो। अब थोड़ा सा एक दो तीन तो हम बता नहीं सकते उसमें कि कितना पीते हो, बस हम मात्रा बता रहे हैं कि थोड़ा सा दूध पीते हो, तो दैट इज कॉल्ड लिटिल। लिटिल क्या है इसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें मात्रा बताई जाती है, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, जो हम गिन नहीं रहे हैं, सिर्फ मात्रा बता रहे हैं, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में होता है संख्या, नंबर में हम काउंटेबल थिंग्स होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं, जिसकी हम संख्या बताते हैं कि एक है, दो है, थ्री है, फोर है, जितनी भी है। आ न्यूमरल एडजेक्टिव इज वन दैट शोज द नंबर और सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, पर्सन या थिंग का क्या बताता है, हमें नंबर बताता है, सीरियल बताता है या उसका ऑर्डर बताता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस, इनको टू मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होती हैं डेफिनेट, एक होती हैं इनडेफिनेट, टू काइंड्स के होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेट देखते हैं कि डेफिनेट कौन कौन सी होती हैं। डेफिनेट के थ्री काइंड्स होते हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लीकेटिव। कार्डिनल्स कौन से होते हैं, जिसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलते हैं ना, ये होती हैं कार्डिनल्स। जैसे मैं बोलूँ कि आई एट 4 बनानास, है नहीं, तो मैंने 4 बोला ना कि 4 बनानास, तो 4 क्या हुआ, 4 हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है नहीं, आई एम द फोर्थ डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, मैं फोर्थ डॉटर हूँ अपने पेरेंट्स, तो फोर्थ क्या है इसमें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मल्टीप्लीकेटिव कौन से होते हैं, जैसे सिंगल, दिस इज अ डबल पिक्चर, है नहीं, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, ये सब क्या होते हैं, ये मल्टीप्लीकेटिव वो कहलाते हैं नंबर। और इनडेफिनिट नंबर कौन से होते हैं, इनडेफिनिट नंबर्स डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर, ये कोई एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करते कि 3 है 4 है 5 है कितने, ऐसे कुछ शो नहीं करते। ऑल, सम, एनफ, नन, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इनसे हमें काउंटिंग का पता नहीं चल पाता कि ये कितने हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं जो वो काउंटेबल थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसे बोलते हैं जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ उसका संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज वन दैट पॉइंट्स आउट, जिसको हम पॉइंट्स आउट करते हैं विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड, जैसे हम ये कहें कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, दिस बुक, तो हमने बुक को कहा दिस, कौन सी बुक, दिस बुक, तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बॉय इज माई ब्रदर, अब इसमें क्या है, दिस बॉय, बॉय कौन सा है, ये वाला, यह है बॉय, तो दिस क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ऐसी दैट कार इज नाइस, अब इसमें कार के साथ क्या आया, दैट आया ना, कार के साथ दैट आया, तो दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर टू एक्सपेंसिव, दीज बुक्स, दीज बुक्स आर टू एक्सपेंसिव, तो दीज क्या है, जो हमें बुक्स के बारे में बता रहा है कि ये बुक्स ये वाली हैं। अब देखो बेटा, दिस और दैट किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, और दीज एंड दोज यूज फॉर प्लूरल नाउन्स। दिस और दीज तो उनके लिए यूज होता है जो हमारे पास होती हैं चीज़ें, और दैट एंड दोज उनके लिए यूज होता है जो हमसे थोड़ी दूर होते हैं,
क्लियर? और दिस एंड दैट यूज फॉर सिंगुलर नाउन, दीज एंड दोज यूज फॉर प्लूरल नाउन्स. क्लियर? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई एक एडजेक्टिव जिसके हमने कोई बात कही वो सबके लिए हो गई. अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज वन दैट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, जो प्रत्येक के लिए कही जाए. दे आर फोर इन नंबर, मतलब ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, एनी, वन, बोथ, ये मतलब जितने भी वर्ड हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. जैसे ईच मैन वॉज गिवन अ पेन, प्रत्येक व्यक्ति को एक पेन दिया गया था. अब उसमें केवल कोई एक पर्सन नहीं आ रहा है, जितने भी वहाँ लोग हैं सबके लिए कहा गया है कि ईच मैन वॉज गिवन अ पेन, या एवरी मैन हम बोल सकते हैं, है ना? तो इसमें किसी एक व्यक्ति को बोला जाता है, मतलब सबके लिए एक वर्ड बोला जाता है. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. ये तो बिल्कुल सिंपल है. जब कोई वर्ड हम किसी वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इसमें लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन के वर्ड के तुरंत बाद नाउन आता है. अब जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर वर्ब आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आपने प्रोनाउन पढ़े, मैंने पिछली वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, तो उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी थे, तो उसमें भी यही वर्ड्स थे. लेकिन उसमें एक डिफरेंस था कि उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आता है. ये डिफरेंस है. हुज पेन इज दिस? अब इसमें पेन क्या है? नाउन है. नाउन से पहले आ रहा है हुज, मतलब ये पेन किसका है. अब किसका क्या है? ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट बुक इज दिस? ये बुक क्या है, कौन सी है? तो व्हाट क्या है? बुक के बाद पहले आया. बुक क्या है? नाउन है. तो व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. विच फ्लावर डू यू लाइक बेस्ट? तुम कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? तो विच फ्लावर से पहले आया. फ्लावर एक नाउन है तो इसलिए विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव मीन्स अपना. द वर्ड माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वैन यूज्ड बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव. कुछ लोग इसको पजेसिव प्रोनाउन समझ लेते हैं लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते. ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. पजेसिव प्रोनाउन जब होते, जब मैं बोलती कि दिस बुक इज माइन, जैसे ये हाँ मैंने बोला दिस इज माय बुक, तो दिस इज माय बुक में माय के बाद नाउन आया है, तो माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है. और अगर मैं बोलूँगी दिस बुक इज माइन तो माइन क्या होगा? अब इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट भी एक वर्ड नहीं है. आप बोलकर देखिए उसे, इंटेलिजेंट. अब इंटेलिजेंटर तो हम नहीं कर सकते इसे, क्योंकि टू वर्ड्स मिले हुए हैं. जहाँ इस तरह से टू वर्ड प्लस करके बनाया गया हो उसमें हम ER या EST प्लस नहीं कर सकते, उसमें हम मोर या मोस्ट करते हैं. जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड. क्लियर? तो डिग्री में ये चीज़ ध्यान रखेंगे. जहाँ सिंगल वर्ड है, सिंगल सिलेबल है, तो वहाँ हम ER और EST प्लस करेंगे, और जहाँ डबल वर्ड प्लस करके बनाएं तो उसमें हम मोर एंड मोस्ट का यूज़ करेंगे. आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. कंपैरेटिव यूज फॉर टू पर्सन या टू थिंग, और सुपरलेटिव मोर देन टू पर्सन. क्लियर? एडजेक्टिव क्लियर हो गए होंगे आपको. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क इन
कमेंट बॉक्स और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.